वो कथा अलग है, पर वासुवा को अपराधी तो नहीं माने जा सके ना। अपराध एक अलग बला है, अपराध तुम करो तो अपराध है। अब चलिए यार ये कोई काम वैसे ही है तो अपराध क्या है? ये मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, परंपरा जूनी परंपरा में जाकर जो होतो तो वा वक्त वा डंगसू कायदा फ्रेम ही कियो गयो नहीं हतो, या सु कोई को ख्याल ही नहीं हतो कि अपराध है। और वा वक्त की जो परिस्थिति है, वा वक्त भी देखना कि सूत जी को मार दियो दाऊजी ने, तो सब ऋषि ने दाऊजी को कही कि तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि भले सूत तो हमने वहां को उपदेशक तरीके वर्ण किए तो यहां कितने बरस दाऊजी को लगे आखिरी भारत यात्रा करने। दाऊजी की बात खोटी नहीं होती, शर्म नहीं आवे कि सूतों के ब्राह्मणन को उपदेश दे रहे हो, वहां गुस्सा में मार दियो। ब्राह्मणन ने दाऊजी को पक्ष नहीं लियो, सूत जी को पक्ष लियो कि तुमने पाप किया, प्रायश्चित करो या तो। और दाऊजी ने भी वह बात को स्वीकारी कि हाँ भाई गलती हो गई, और प्रायश्चित के लिए यात्रा करी। दाऊजी की जो तीर्थ यात्रा होती वो प्रायश्चितार्थ होती, और कौन सा प्रायश्चित? ब्रह्मवध प्रायश्चित, जबकि ब्राह्मण तो निसूत तो वो। पर ऋषि ने वहां दाऊजी को कही कि तुमको ब्रह्मवध को प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां कुछ सुनाने के लिए यहां बैठाए तो। अब वहां में सूजी थोड़ी गुनेगार है, सूजी तो खुद बेचारे कह रहे हैं कि भाई जितो मैं बता सकूं मेरे अधिकार से इतना बता रहे हूं, बाकी ये शरीर मेरो यासु आगे बताने के लिए समर्थ नहीं है। ये भी सूजी ने कही है, ये तो अधिकम अधिकम तुम ना नोत सहे, पर तुमने पूछ रहे हो तो जो कुछ बता सकूंगा तो बताऊंगा। नहीं नहीं, अब एक बात मतलब मैं आप आज्ञा दो तो स्पष्ट पूछू। अब तो पूछ ले आज्ञा की क्या जरूरत है। मैं यूं पूछ रहा हूं कि जो है वो जब तक स्वकीय हो और भक्त हो और वो जो है वो वाको वात रहे सो संबंध हो खुद के ठाकुर के साथ, वैसो परिजन है वा वक्त तक तो वासु सब व्यवहार कोई कारण सु कोई को कोई कुछ चलियो परंपरा में अपने मंदिरन के अंदर भी। मैं अब सेवा की बात पूछ रहे हो कथा के बजाय, या के बाद जब जो है वो न वैसी स्वकीयता रही न वैसी स्वजनता रही न वैसे वैष्णव रहे न वो प्रकार रहे हो, पर वहां में सु थोड़ो थोड़ो रहे हो कभी कभी कोई के साथ, तो जहां पे वो प्रकार स्पष्ट नहीं हो रहे हो है ऐसो जब मेजोरिटी सु कोई भी बात अपन निश्चित करेंगे वहां में कोई अपवाद भले ही कहीं कहीं कोई कर लेवे वहां में तो कोई हरकत है नहीं क्योंकि वो स्वजन और स्वभक्त हो गए हो। जहां ऐसे स्वजन और स्वभक्तता प्रकट न दिख रही हो वहां व्यवहार जो भी मंदिर वाले करेंगे या जो भी महाराज करेंगे या जो भी वैष्णव करेगो वो निंदित भयो के नहीं भयो या वह मतलब निषिद्ध भयो के नहीं भयो। वहां भी तो गोपाल यही बात आएगी ना कि यदि कोई महाराज के दाजी ने कोई गलत प्रकार शुरू कियो तो वो प्रकार ताजी ने शुरू कियो करके सच्चो नहीं हो जाएगा यदि महाप्रभु जी के उपदेश से विरुद्ध है तो। पर सच्चो नहीं होएगा वो व्यवहार करके निंदित होएगा, और वो जो आपको पौत्र है वो कोई गलत प्रकार से सेवा कर रहे है समझो, तो वो वाको अपराधी निषिद्धापराधी नहीं हो के निंदितापराधी तो होगा ना, क्योंकि वाने तो अपने पापिता को देख के शुरू किया है तो वो प्रकार वाने छोड़ना पड़ेगा। और मगर निंदित निषिद्ध शब्द से मेरे कोई लेना देना नहीं है, मैं वही पृथककरण करना चाह रहे हूँ कि अपने को ये पृथककरण नहीं करेंगे ना तो जघन्यता में प्रभेद बराबर नहीं हो सकेंगे, गड़बड़ फैलेगी। तो ये प्रभेद करने से क्या फर्क पड़ेगा पीछे? प्रभेद करने से ये फर्क पड़ेगा कि निंदित जो है वो डिस्क्वालिफाई नहीं है, निंदित जो है वो अपनी निंदास्पद वस्तु छोड़ दे फकत बाकी निंदा करनी मगर साथ में चालू ही रहना। मैं संग करना कि नहीं आता निंदित को संग तो कैसे करना, पर निंदित को ये तो अपन मान सके ना, चांस तो दे सके ना कि भाई निंदा आचरण यदि वो छोड़ दे
वो तो निषिद्ध के लिए भी आएगी बात। निषिद्ध तो अपन वाक्य साथ माने निषिद्ध के साथ तो अपन खुद इतनी केयर ले रहे हैं कि भाई जब निषिद्ध करे माने विपरीत भावना जैसो, विपरीत भावना से जो कोई काम कर रहे हो है, और जो अपनी विपरीत भावना से नहीं काम कर रहे हो सबको एक कैटेगरी में तो आप नहीं खपा सकोगे। मतलब निंदित को शुद्ध करने को प्रचार करना थोड़ा यूं निंदित की निंदा करके वापस सुधारने को प्रचार का प्रकार अपना नो वो कर सके कर सके। निषिद्ध को तो अपन नहीं कर सके ना, जब अपने को पता ही है कि निषिद्ध काम कर रहे हो है। वही लिए मैंने अपने या मैं शुरुआत में ही वो बता दी कि जो तथा भाव से प्रयुक्त होके कर रहे हो और मूढ़ता के वश निंदित आचरण कर रहे हो। बस संग दोनों ही केस में त्याज्य है ना, संग दोनों केस में त्याज्य, पर वाको संग को अपन वाको अपराधी कितना मान रहे हैं, जघन्यता को वाको कोटि को निर्धारण तो अपने को करना पड़ेगा ना। टकेसर भाजी टकेसर खाजा तो अपन नहीं कर सकेंगे ना, ये मेरा मतलब है। देख शास्त्र में एक बड़ा सुंदर विचार किया है, आत्मघाती के लिए शास्त्र स्पष्ट कहे कि आत्मघाती को सूतक नहीं पालना चाहिए। आत्मघाती कौन? तो वहां शास्त्र कहे कि जाने आत्मघात ही कियो हो, जैसे विष लेके या छुरा मार के खुद को या पर्वत पे सुपड़ के वगैरह वगैरह, जो आत्मघात के सरलतम उपाय हैं, साक्षात उपाय, सरलतम के बजाय साक्षात उपाय सु आत्मघात करे, वह आत्मघाती को सूतक नहीं पालना चाहिए, वह आत्मघाती को ऐसो माने अपने को कुछ भी नहीं करना चाहिए, वाकू छोड़ देना चाहिए, काष्ठवत जला दो वाकू, बहुत ज्यादा तुम बात हो तो जलाने को भी पाचो प्रायश्चित है। पर शास्त्र ने वहां यह भी एक खुलासा किया है कि जो साक्षात उपाय नहीं कर रहे हो, जैसे फ्लड आ रही है, सब खड़े भाई कह रहे हैं भाई या फ्लड में अभी मत जाओ बह जाओगे, और वो मान नहीं रहे हो, वो मरने नहीं जा रहे हो, देख ध्यान से समझ, तैरने जा रहे हो और वो मर गए हो, वाकू भी शास्त्र ने आत्मघाती कहो है, अकस्मात जैसे। हाँ जान, जान करके जो आ बैल मुझे मार कर रहे हो है, वाकू भी आत्मघाती कह रहे हैं शास्त्र, शास्त्र वाकू भी आत्मघाती कहे कि जबरदस्ती कुछ लेना देना नहीं, कोई के घर में घुसे कुछ घोटाला करने के लिए और वहां उन घर वाले ने कोई को मार दियो तो वहां ने आत्मघात नहीं कियो, पर वहां ने अपना आत्मघात इनवाइट तो कियो ना, कोई के घर में क्यों घुसे तुम, कोई के घर में घुसे या लिए मारे गए ना, अब वो आत्मघात तो नहीं है, तभी वाकू आत्मघाती की कैटेगरी में रखो, ख्याल में। अब देख ये दो उदाहरण सामने रख, अब समझो डॉक्टर ने कही कि भाई तुम ऐसे मीठो मत खाओ डायबिटीज बढ़ जाएगी, तुम मीठो खाते रहे तो आत्मघात भयो के नहीं भयो, डॉक्टर ने कही कि तुम दिन भर बैठे मत रहो थोड़ी एक्सरसाइज क्यों करो, अपन ने एक्सरसाइज नहीं करी तो आत्मघात भयो के नहीं भयो, अब समझो कि कोई डायबिटीज में मर गयो तो आपको सूतक पालना भी नहीं पालना क्योंकि दवाई नहीं ली और आने तो नमक खाते रहे तो आपको आत्मघाती मार के सूतक नहीं पालना, पृथक्करण तो करना पड़ेगा ना दो केस में, जो इमीडिएटली अपने को मारने के उपाय हैं और जो इमीडिएटली मारने के उपाय नहीं है पर मूढ़तावश अपन ने वो उपाय कर लिए और वाके कारण अपन मर गए, उन दो उपाय में अपने को प्रभेद तो करना ही पड़ेगा ना, बस ये बात। कोई भी डॉक्टर से पूछोगे, जैसे देख दादाजी की बात बताऊं, दयाजी को पग में कैंसर हुए, डॉक्टर बालिगा ने दादाजी को कही थी कि तुम ऑपरेशन नहीं कराओगे तो एक बरस में मर जाओगे, दाई ने कही थी सब डॉक्टर मूर्ख हैं कभी नहीं ऑपरेशन कराएंगे, एक बरस बाद डॉक्टर बालिका देखने आए तो दाई जी तो बिरा देवा के बाद सात बरस और बिरा देवा, और ये और कही कि डॉक्टर सब मूर्ख हैं, नहीं कटाए से नहीं कटाए,
अब वास्तव स्थिति में क्या दादाजी को आत्मघाती मानना? उन्हें आत्मघात नहीं किया, वो कन्विंस करते कि डॉक्टर साहब मूर्ख हो मैं नहीं कटाएंगे, पैर नहीं कटाए, नहीं कटाए। अब देख ध्यान से समझ, पैर नहीं कटाए, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बैठे रहते, बैठे रहते करके हार्ट ट्रबल भाई। 24 कलाक आदमी बैठे ही रहेगा तो हार्ट तो कमजोर पड़ेगा ना, वहां में हार्ट ट्रबल भाई। बताइए जी, हार्ट ट्रबल में गए, कैंसर में तो नहीं गए? आपको कैंसर ठीक हो गया दाई जी को, और कंफर्म किया दादाजी ने कि डॉक्टर साहब मूर्ख हो। क्या तरीके की फ्लक्चुएशन लाइफ में है अपने, तो दादाजी कन्विंस करते कि डॉक्टर साहब मूर्ख है। अब क्या करना, एक एक बात और डॉक्टर बाली का एक बरस बाद देखने आयो जीने के लिए दादाजी डर बैठे 7 बरस तक रहे, ठीक हो गए फिर पाछो तो उनको और कंफर्म और हो गए कि डॉक्टर साहब बेवकूफ हो नहीं करेंगे। और हम लोग ने इतना प्रेशराइज किया दादाजी को, हमको भी लगता तो कि कहीं चले जाएंगे नहीं कराएंगे, तो दादाजी फर्म थे कि नहीं कराएंगे, डॉक्टर बेवकूफ हो, नहीं गया नहीं कराया, वो ठीक हो गए पाछे। ये भी एक आश्चर्य, कैसे ठीक है, क्यों ठीक भाई, कैंसर है तो ठीक क्यों भाई, दोनों पग में कैंसर, तेने भी तो दर्शन किए, दोनों पग के कैंसर ठीक हो गए दादाजी के, वो कैंसर में गए ही नहीं पाछे, गए पाछे हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक भी जब आए तो 5वें हार्ट अटैक में गए, नहीं तो आदमी दो एक हार्ट अटैक में चले जाए। वो हार्ट अटैक वाले ने तो विदाई ये कहते कि डॉक्टर साहब बेवकूफ हो, डॉक्टर ने कही कि महाराज जी ये एडवाइजेबल नहीं है। तो दाई ने डॉक्टर को पूछी, हार्ट स्पेशलिस्ट को, कि तुमको कितने बरस का एक्सपीरियंस है? उन्होंने कही कि 5 साल को। उन्होंने कही मुझको हार्ट पेशेंट को 20 साल का एक्सपीरियंस है नहीं कराना तो नहीं कराना, क्या करना तुम तो? मैं अपने जो मैंने क्योंकि जैसे ऑब्जर्व किया दादाजी को, मैं नहीं मानू कि बेचारे दादाजी आत्मघात कर रहे थे, उनको जरा भी आत्मघात की इच्छा नहीं थी, वो कन्विंस थे कि डॉक्टर सब मूर्ख हो मैं बेवकूफ हो मैं। उनको एलोपैथी में श्रद्धा नहीं, ऐसी तकलीफ ही थी उनको, एलोपैथी ऐसे सच में श्रद्धा नहीं थी, वो समझते थे सारो पाखंड है एलोपैथी, तो सब गांठी इलाज करते है, मोर थुतू सु पैर धोते, निमड़ा सु पैर धोते, पुंगी लगवाते, क्या क्या उपद्रव करते, वैसे ठीक और होके बताती हूँ ये और आश्चर्य की बात। तो उनको कैसे आत्मघाती कहनो? ये जे एक दो बात को अंतर तो तू मानेगा कि नहीं? हाँ, मैं वही एक प्रश्न कर पूछ के पीछे कहूँ। हाँ। जो है वो दृष्टांत से तो आपने सब सिद्ध कर दिए, वो बहुत सरल रहे। शास्त्राज्ञा क्या है? हमें याद रहे द्रव्य वाले को पतित, दुसंग और त्याज्य वगैरह गिनो कैसे प्रभेद करने है? शास्त्र में ये प्रभेद है ना। अच्छा, ये शास्त्राज्ञा कह रहे हो? शास्त्र में ही पातक, उपपातक, महापातक ऐसी 3 कैटेगरी करी है। आप बिल्कुल यही तरह से कहोगे? हाँ। पाप, देख पाप, पातक, उपपातक और महापातक, ऐसे पाप की 4 कैटेगरी का रहता। तो पातक कर्म सु पतन होवे है, प्रत्येक पाप सु पतन नहीं माने शास्त्र में, पाप को पाप माने हैं, पर हर पाप जो है वो पातक नहीं हुए, हर पापी को पातक ही नहीं कहे जा सके, पापी कहे जा सके। हाँ, मतलब महापातक, खाली पाप, पातक या तरह से कैटेगरी हो जाए, शास्त्र की कैटेगरी कर रहा है बात है। वत्सर त्रयम कहे हो? हाँ। 3 साल तक, हरिराय जी ने कही थी 3 साल तक छूट देनी चाहिए, पीछे देव लग शास्त्र भी बात तरीके की कैटेगरी कर रहे है, जब शास्त्र करे है तो व्यर्थ में अपने क्यों इतना हार्श हो, नहीं करते हो शास्त्र तो अपन हार्श हो, सच बात है। हाँ, आपकी खुद जब शास्त्र याद तरीके से कैटेगरी करते हो कि पाप, अच्छा पाप की पाछी अज्ञान जन्य पाप, प्रमाद जन्य पाप और स्वेच्छाचारिता सुखी हो गए पाप, वो पाप की भी पाछी 3 कैटेगरी करे। तो
अज्ञान जन्य पाप एक अलग पाप है, प्रमाद जन्य पाप वास्तव थोड़ा गंभीर है, और इच्छया कृत पाप ज्यादा पाप है। ऐसे पापन की बढ़ती भाई कैटेगरी पाची पातक बने कहीं, वो पाप इच्छायाकृत होते हुए भी पातक नहीं हो, पाप ही है, पर कोई लेवल पे जाके कोई पाप पातक बने हैं, वो पातक ही है, महापातक नहीं है। जैसे पापी को संसर्ग हमें दोष नहीं मान्य है, पर पातकी को संसर्ग दोष मान्य है, तत् संसर्गी च पंचमा, वाकु संसर्गी को भी पतित मान्य है। तो शास्त्र खुद वहां संग निषेध कर रहे हो, पातकी को, पापी का संग निषेध की ना नहीं कर, जो भी नियम है वो जो शास्त्र के नियम है वो तो मानने ही पड़ेंगे, जो भी बात आ रही है वही 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 बात में। पाप को, पाप जो है, पापी जो है वो पातकी नहीं है या पतित नहीं है, पाप पाप है, या लिए वाकू पतित मान के अपन नहीं चल सके, नहीं चल सकते वाकू, अच्छा पतित नहीं है करके वाकू अनिंदित नहीं मान सकेंगे, निंदित तो माननी पड़ेगा, पाप तो पाप ही है। पाप जो है प्रत्येक पाप निंदास्पद तो है ही, पर निंदास्पद होते भाई भी प्रत्येक पाप को अपन ऐसे नहीं मान सकेंगे कि पाप करने वाले को संगी पापी है, जबकि पातकी को संगी पतित कहो गयो है। तो वो विभाजन शास्त्र ने किया है तो वो अपने को स्वीकारना चाहिए। अपने को एक बात समझ, कई वक्त गोपाल ऐसा हो सकते हैं, देखो एक बात, कि अपने को पातकी से इतनो द्वेष नहीं हो जितना पाप से द्वेष हो, क्योंकि कोई पाप मुकु नड़तो हो मुकु पापी से ज्यादा द्वेष होएगो, और पातकी शायद मुकु नड़ नहीं रहे तो मुकु वासु द्वेष नहीं होएगो। तो अपन द्वेष को अपना प्रधान मानेंगे कि शास्त्र वचन को प्रधान मानेंगे? कोई पाप ऐसा है कि जो मेरे विरुद्ध किया जा रहे हो, मेरे विरुद्ध किए जाते पाप के कारण मुकु वा पापी से द्वेष ज्यादा है, कोई पातक ऐसा कर्म है कि जो मेरे विरुद्ध नहीं है, मेरे को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहे, वो पाप की है तो है, तो वापस मुको द्वेष नहीं आएगा। अब मुको द्वेष नहीं आ रहे हो है पात की पे, वासु पातकी को संग मैं कर नहीं सकता, पापी क्योंकि मेरे विरुद्ध पाप कर रहे हो कुछ, वासु मुको द्वेष आ रहे हो है, वाके लिए वाके बारे में मैं ये विधान नहीं कर सकूं कि मैं वापस संग जो है वो वर्ज्य है, भाई मेरे विरुद्ध पाप कर रहे हो, बाकी निंदा मैं करूंगा, एक बार नहीं सौ बार करूंगा, तो वाके लिए वाको संग वर्ज्य है ऐसे मैं नहीं कहूंगा। मैं यही बात को रोना रोते रहूंगा, भाई ये पाप कर रहे हो, मेरे विरुद्ध कर रहे हो, बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, बस इतना ही कहूंगा, यो तो नहीं कह सकूंगा कि वाको संग वर्ज्य है। संग वर्ज्य जहां शास्त्र कह रहे हो कि पातकी को संग करने वालों पतित है, वहां मैं भी कहूंगा मुकु राग होए तो भी कहना चाहिए और द्वेष होए तो भी कहना चाहिए। ये हमें सेवार्थ जो जीविका है, हमें परंपरा सेवा जीविका करे कोई, तो वो फिर पाप में जाएगा कि पातकी को संग माने जाएगा? मैंने वो दृष्टि पाप और पातकी को सवाल नहीं है, अपने यहाँ आजीविका अर्थ सेवा भक्ति निषिद्ध है, ख्याल में आयो? महाप्रभु जी वाको क्या खुलासा कर रहे हैं कि पारंपर्य जीवनम अपि निषिद्धं चेत् तदा त्यक्तव्यम्, क्या मैं हो? तो पारंपर्य जीवन भी जो है वो निषिद्ध है, तो अपने को भक्त्यर्थ वाकु छोड़ने को साहस करना चाहिए। अब जैसे एक सामान्य बात देखो, जिन जिन को महाप्रभु जी ने भागवत पुराण को आजीवन छोड़ने की कथा करी, उनको साथ साथ में महाप्रभु जी खुद यह बात की आज्ञा करते रहे कि नहीं और पुराण तो तुम पढ़ सको क्योंकि वो तुम्हारी आजीविका है, वार्ता में स्पष्ट आवे पद्मनाभदास जी, और उनने कही कि नहीं नहीं अब तो हमने छोड़ दी तो वो भी नहीं करेंगे, जगतानंद हाँ वाकु भी कही, कैयन को महाप्रभु जी ने कही कि नहीं और पुराण को करो भागवत को मत करो। तो अपन कैसे वाकु इनकार कर सके? पुराण परंपरा से वो आजीविका कर रहे थे। अच्छा वाक्य कारण महाप्रभु जी ने भागवत अर्थ में स्पष्ट शुरुआत में बात को खुलासा कर दिया कि उनको कथा फलित क्यों नहीं भाई, वृत्तित्व न फलिता स्पष्ट नहीं कर रहे, उनकी आजीविका वृत्ति वाले फलित नहीं भाई, तो वो जो बैलेंस्ड है उनके अप्रोच में वो बैलेंस अपने को भगवत फल नहीं मिले मगर वो
निषिद्ध थी। सूतवाच अपने को भी सुनना तो पड़े। हाँ, न फलिता बस वहां क्या के महाप्रभु जी, तो वहां उनको निंदित मान लियो है पर निषिद्ध नहीं मान्यो है। मैं वही पूछ रहा था कि परंपरा सेवा जीविका सु करते हो तो निंदित मानो जाएगा कि निषिद्ध मानो जाएगा? नहीं, वही तो कह रहे हो ना, निंदित मानो जाएगा, निंदित मानो जाएगा। यदि आप एडॉप्ट कर रहे हो तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन आप इनवाइट कर रहे हो। नहीं तो ब्रह्महत्या को पाप लग तो कैसे दाऊ जी को? निंदित सूत तो ब्राह्मण है तो नहीं, सूत तो वर्ण संकर हो है शास्त्र के हिसाब से, ब्राह्मण हो है नहीं। जो निंदित है वो निषिद्ध में टर्न हो जाए? निषिद्ध वालों निंदित में टर्न हो रहा है, तो प्रमोशन हो रहा है, निषिद्ध में तो निंदित हो गया परंपरा। निंदित वालों भी निषिद्ध में चले जाए तो नहीं हो सकता? नहीं, मैंने यहाँ जो अपनी बात चल रही है तो मुश्किल है। यहाँ मूल में बात यह है कि यदि आप अपने स्वयं आप आजीविकार थपना रहे हो तो महाप्रभु जी वाकू एकदम निंदा कर रहे हैं, निषिद्ध मान रहे हैं, निषिद्ध मान रहे हैं, और नहीं तो निंदित मान रहे हैं। वाकू अपन क्या कर रहे हैं? और वो बात महाप्रभु जी स्वेच्छया कर रहे हो ऐसी बात नहीं है, शास्त्र शास्त्र तो वो प्राप्त हो रही है वही ढंग से। यदि नहीं प्राप्त होती तो एक बात समझो, दाऊ जी भी कोई अज्ञानी तो नहीं होते ना, उनको गुस्सा क्यों आयो? उनको गुस्सा क्यों आयो दाऊ जी को? कुछ न कुछ गड़बड़ होती तभी तो गुस्सा आयो, दाऊ जी भी अज्ञानी तो नहीं होते। बाप अखत की जो कुछ कल्चर रहती वो आपको अच्छी तरह से जानते होंगे, पर वो एक्सेप्शन जो भयो तो, क्योंकि सूत जी व्यास जी के पास सुनियो सुनियो तो सुना दियो। अब वो ऋषियन को भी ये जिज्ञासा भाई कि हम तुम्हारे मुंह से सुनेंगे, सुना दियो। वो एक्सेप्शन उनके ख्याल में नहीं आया करके उनने, और ऋषि ने दाऊ जी के नॉलेज में वही बात लाई कि हमने उनको वरण किया तो आपने मारियो क्यों? अब ब्रह्मवध को प्रायश्चित करो। तो पाछो वो प्रसंग में कोई तरह को दक्षिणा या वातरे को कोई बात है नहीं, नहीं, नहीं है नहीं। तो जब शास्त्र वा तरीके की व्यवस्था दे रहे हो है तो अपनो राग द्वेष नहीं प्रकट करना चाहिए ना, शास्त्र आज्ञा जो कह रहे हो वाकू वा तरह से समझना चाहिए, मूल बात यह है। आई नहीं ख्याल वासु, निंदी की निंदा नहीं करनी वो हेतु नहीं है, पर जो निंदी है वो निषिद्धि है, वा तरीके जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। निंदी निंदी है अनिषिद्ध होते हुए, और निषिद्ध निषिद्धि ही है। सब बाप हो तो उनका फर्क पड़े, ये अपने को प्रभेद समझना चाहिए तो जगन्य अधिकार के विवेचन। मैं समझू तीसरा हाँ। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आजकल से कीर्तन वगैरह कोई सिखा हुए हैं तो अपन कहें कि वो संग फिर नहीं करना, कीर्तन सिखा के पैसा रहता तो है। कीर्तन में दोनों ही बात सीखी जा सके बाबा, संगीत भी सीखा जा सके और कीर्तन में सो कीर्तन भी सीखा जा सके। कीर्तन कैसे सो गानों की पद्धति कोई सिखाता हो तो वही तो बात है ना, संगीत सीखने की आप सीख रहे हो तो संगीत की तो दक्षिणा ले ही सके ना व्यक्ति, और कीर्तन में जो भाव है वो सिखाता हो तो फिर निश्चित वो कीर्तन सिखा रहे हो। बाकी कीर्तन को संगीत सिखा तो हो तो अपन संगीत सिखाने वाले को दक्षिणा नहीं देंगे का, दोनों ही सिखावे एक साथ तो वो तो घोटाला है, कुछ गड़बड़ है। ના ના એટલે કીર્તન ના શું ભાવ છે એ પણ સમજાવે સાથે, સત્સંગ ના રૂપ અધ્યાપન ના રૂપ આકે ભી કોઈ લેતે હોય પૈસા ભાગવત કથાકાર રહે નહીં નહીં જૈસે અપન કીર્તન આપણે સેવામાં ગાવે તો અપનકુ કીર્તન કો અર્થ સમજમાં નહીં આવે તો અપનકુ આનંદ નહીં આવે તો કોઈ કે પાસું સીખ કે આવે ભાઈ આ કીર્તન કો યે અર્થ હે જૈસે કીર્તન કી પુસ્તક કોઈ છપા રહ્યો હે પ્રેસ વાલે કો આપ ક્યા પૈસા નહીં દોગે કે કીર્તન હે નહીં મેં વો બત નહીં મેં કા બાત કર રહા હું આપ પે ધ્યાન બતાઉં
जैसे कीर्तन की पुस्तक कोई छपवा रहे हो प्रेस वालों, वो बाप के प्रेस के प्रिंटिंग के पैसा ले रहे हो, वो कीर्तन के पैसा नहीं ले रहे हो, वो अपन प्रभेद करेंगे कि नहीं करेंगे वहां? एक प्रेस वालों कीर्तन की पुस्तक छपवाने के, या समझो भागवत की पुस्तक छपवाने के आपसे पैसा ले रहे हो, तो भागवत के पैसा ले रहे हो? भागवत के नहीं ले रहे हो, प्रिंटिंग के ले रहे हो। वो तो भागवत नहीं हो क्या? आपको कुरान दोगे तो कुरान छापेगो, और भागवत दोगे तो भागवत छापेगो। प्रेस वाले को काम है छापना, वो छापने के पैसा ले रहे हो, भागवत के पैसा नहीं ले रहे हो। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाने को पैसा ले, चित्रकार चित्र बनाने को पैसा ले, वो भगवान नहीं बेच रहे हो, कला बेच रहे हो अपनी। तो कला बेच रहे हो वाणी वाक को अपन ऐसे देवलख नहीं कहेंगे। बात में ऐसे ही कीर्तन में भी तो दोनों पहलू आएंगे ना। वो जैसे वृद्ध भाषा में कीर्तन है तो वो आपको गुजराती में समझा दे, समझा तो ठीक है। तो वो तो कोई संग निंदा सारे जितनी स्कूल में बाबा मैट्रिक तक मैं समझू कि कीर्तन है पढ़ाए ही जाए हैं, सूरदास जी के इन सब के कीर्तन है पढ़ाए जाए, और वो टीचर ले हुए तो अपन वाकू यूं कहेंगे क्यों कीर्तन बेच रहे हो? अरे वाकू कीर्तन से क्या लेना देना, जो पाठ्यक्रम में जो पाठ निर्धारित कर दिए वो आ गए, वो पढ़ा रहे हो वहां, अपन वो कीर्तन पढ़ा रहे हो है वाके पैसा ले रहे हो अपन नहीं कहेंगे वो टीचर, वो तो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हो है वहां में कीर्तन आ गए तो कीर्तन पढ़ाएगो, कीर्तन नहीं आके कुरान की आयत आएगी तो आयत भी पढ़ाएगो, वाकू क्या लेना देना कीर्तन से? दो बात को प्रभेद तो अपने को करना पड़ेगा। कीर्तन को कीर्तन तरीके प्रस्तुत करके और पैसा लेनो वो कीर्तन बेचना कहवाएगा। तो कीर्तन की पुस्तक छपाने को या कीर्तन को गाना सिखाने को, कीर्तन की ताल सिखाने को या कीर्तन की भाषा सिखाने को, वो कोई कीर्तन बेचना थोड़ी कहलाएगा। बात पर अलग समझनी पड़ेगी। यदि मूर्तिकार को अपन मूर्ति बनाने के पैसा नहीं देंगे तो अपन ने परद्रव्य अपहरण किया, चित्रकार को चित्र बनाने के जैसे अपन ने पैसा नहीं दिए तो परद्रव्य अपहरण किया। वार्ता में आवे के ठाकुर जी की मूर्तियां खरीद खरीद के और सेवा में पधराई गई है, मथुरा जब मथुरा के वृंदावन महाप्रभु जी पधारे तब वो दुकान में बिराजी भाई सब मूर्ति है आवाई है तो खरीद, कोई भी मूर्ति तरीके वाकू बेच रहे हो वासु थोड़ी वो देवलख हो गया। मूर्ति बेचना देवलखता नहीं है, भगवान को बेचना देवलखता है, पुस्तक बेचनी देवलखता नहीं है, भागवत बेचनी देवलखता है, दो बात में अंतर है। माने वो अपने कीर्तन को कैसे प्रस्तुत कर रहे है, कीर्तन तरीके के कला तरीके, कला तरीके प्रस्तुत कर रहे है तो कला ही है ना, कीर्तन कहाँ है? जैसे एक बात समझो कि शराब के प्याला में रखे हुए गंगा जल भी शराब ही है। तो काय के कर रहे हो, कला के तरह ले रहे हो है प्रोग्राम के कीर्तन के तरह? वही तो कह रहे हो ना, हाँ वही देखना पड़ेगा। बाकी कृति मति रति में एक रूपता है कि नहीं? एक रूपता है तो वंचना नहीं कर रहे हो। अपने वार्ता में आवे है कि वो पुरुषोत्तम दास की पुत्री को जब उनने कही कि तू सेवा करे, बोले नहीं नहीं पेट भर सोवते हैं, पेट भर खावते हैं, और नींद तुलसा को और नींद भर सोवते हैं, तो सेवा को भी वो यात्रा से डिग्रेड कर रही है। तो सेवा को क्या पेट भर सोना और पेट भर खाना और नींद भर सोना कहेंगे? बात में अंतर है ना, आशय अलग है। हाँ वही तो वही अपने को स्पष्ट करना पड़ेगा लेने के लिए। तो कर रहे सवाल ये है ना कि कीर्तन को कैसे तरह से कर रहे हो है? अच्छा। मूर्ति तो कॉमन है ना, मूर्ति को देव तरीके बेच रहे हो कि मूर्ति तरीके बेच रहे हो? ये एको हम बहुश्याम जब तक आप नहीं सोचोगे ना जगन्याधिकार का विचार चलेगा ही नहीं।
ये मैंने कही कि एको हम बस से हम अपने को सोचना पड़ेगा। वही भगवान की मूर्ति मूर्ति तरीके भी बेची जा सके, वही मूर्ति भगवान तरीके भी बेची जा सके। वो तो जो गाने वालों है वो अगर संगीत गा रहे हो वहां में कीर्तन भी वो बोल रहे हो है, और वहां में श्रोता अगर वाकू भक्ति मार्गी सत्संग के रूप में जाकर सुरण करेगा तो वाकू तो बाधक हो जाएगा। जलभेद में ही निषेध है वाकू, बाधक हो जाएगा जलभेद में, निषेध है वाकू जलभेद में ही वाकू। भक्ति मार्गी दृष्टि थी पीछे संग नहीं रही जाए, रागता नु श्रवण करवा माटे के संगीत ना श्रवण ना रूप में वेश्यादि संहिता मत्ता गायक वेश्या क्या भगवान के गीत नहीं गावे। यदि भारत को इतिहास आप देखोगे ना रसिक भाई, निंदा के रूप में नहीं कह रहे हूं, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार जितना वेश्यान ने किया ना इतना भक्तन ने नहीं किया। सारी वेश्याएं कृष्ण के गीत गाती रही हैं। ये तो फिल्म लाइन शुरू हुई तब से वो सब बंद हुआ खाता, बाकी पुरानी जितनी वेश्याएं होती सब कृष्ण भक्ति के गीत गाती थी। मुसलमान तो भी वही अडॉप्ट करते हैं, हिंदू होए मुसलमान होए वेश्याएं कृष्ण भक्ति के ही गीत गाती थी। उनने जितना कृष्ण भक्ति को भाव जगाया ना उतना इन कथावाचक ने नहीं जगाया, एकदम जघन्य स्तर के अधिकारी इनको पकड़ पकड़ के उनने कृष्ण भक्त बना दियो कृष्ण के गीत गागा के। वेश्यान ने पुराने वेश्यान के सारे गीत कृष्ण भक्ति के गीत हैं। शिष्टता की मर्यादा लांघ जाए ऐसे ऐसे गीत हैं पाचे कृष्ण भक्ति के, और कितने लोअर ग्रेड पर जाके उनने कृष्ण भक्ति को प्रचार किया, पर वो उनने कृष्ण भक्ति के लिए नहीं किया। उनकी आजीविका थी वेश्या थी, कृष्ण में कुछ अपील थी। मेरे को एक ने कही, मुझे पूछी तुम कौन कौन मानते हो, कृष्ण को मानते हो? वहां ने मुझसे कही मैं भी कृष्ण को ही मानती हूं। मैंने कहा अच्छा, बोले राम वाम मुझे पसंद नहीं आती। ये क्या एक सीता के पीछे रोता फेरा, कृष्ण अच्छा लगता है 16,000 गोपियों में नाचता है। तुम्हारा कृष्ण को मानने का कोई और कारण है? मैंने खुद मुझसे कही मैं भी कृष्ण की भक्त हूं, ये राम वाम पसंद नहीं आता मुझके, ये एक सीता चली गई उसके लिए रोता फेरा। कृष्ण देखो कृष्ण कुछ और कारण से पसंद आ रहे हो। सचमुच में वेश्यान ने जितना कृष्ण भक्ति को प्रचार किया कोई मतलब उपदेशक नहीं कर सकेगा, तो दावाद को अपने को पृथक तो करनी पड़ेगी, अपन कंफ्यूज नहीं कर सके कि वो वेश्या कृष्ण भक्ति के गीत गा रहे थे, अपन एक वक्त सत्संग करवा जे ऊंचे करके पहुंच जाए। वो नहीं है, वो सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ कृष्ण सिवाय बीजू का ही नहीं गाती। करें अपन दूसरे पे ले सकेंगे 9 बजे समय। हाँ तो फिर प्रश्न ही ले लें। पेज नंबर 8 पे ये लियो है नीचे, भजन उपदेषा नो संग निंदित में परंपरागत प्राप्त रीति सेवाग्रह रखता हो अमुक मैन मंजा नेक भोग श्रृंगार ये सेवा ना सहज भावों ने बाधक करना रहा बताया। तो मुकेश लोगे के थोड़ो सेवा को आगे तो रखना चाहिए, जैसे गोकुलनाथ जी 24 सिद्धांत में आज्ञा कर रहे हैं कि अमुक नेक भोग श्रृंगार को या मैन मंजा को आग्रह जरूर रखना चाहिए, तो वो कौन सो आग्रह जो है वो सहज भाव को बाधक करना वो खुलासा नहीं है, तो वो याद हो जाए। वो आपकी बात सही है, यहाँ वो जो आग्रह जो है वो वहां लिखियो नहीं है मैंने, लेकिन विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधाद अपि क्वचित, वहां प्रकार के जब वो आग्रह हो जावे अत्याग्रह प्रवेश है वापर पीड़ा दे संभव है, मतलब वो जैसे अभी सिद्धांत मुक्तावली में पुरुषोत्तम जी कह रहे सेवा आग्रही, वहां वो दुराग्रह हो जावे भगवान को, मतलब ठाकुर जी को याद भी नहीं है भगवंतम न सेवंते, ऐसे करके वो जो भगवान को भी विचार नहीं करे और तामसिक वृत्ति पनपे जावे, ऐसे प्रकार को कुछ यहाँ हटाग्रह हो जा रहा है। वहां संदर्भ में कह रहे हो कि आपको कोई भी हो सके, वो मेड मर्जात के कारण भी हो सके, नेक भोग राग मतलब खुद को वो परंपरा से प्राप्त हुआ को है, जैसे अभी 2 दिन पहले वो बताए कि वो ठाकुर जी श्री माथे पे बिराजते थे उनके, अब वो परंपरा से 3 पीढ़ी तक वो माथे पे बिराजने को वहां आग्रह
अपेक्षा नहीं है वहां को, फिर वो जब अनुकूलता है तो प्रभु को घर में पधराना चाहिए। ऐसे कुछ सेवा में इतना आग्रह हो जाए कि प्रभु को परिश्रम होवे तो वहा वक्त वो विक्षेप बात अथवा शक्ता ये बात को यहाँ वो हमें बात आ नहीं रही थी उसमें। हाँ वो याके लेकिन वो जो नीचे मैंने कही थी ना सेवा ना सहज भाव ने बात, ये सहज भाव कैंसल करी नाखना होने ये ऑटोमेटिक असहज भाव जरा पैदा थी रहा है तो अब ये तत्पुरता आग्रह जो है वो सहज भाव कैसे बाधक करेगा ये जाना जान लो। कौन सु हाँ परे ये सात नंबर पेज पे जो लास्ट में है ना निंदित, वहां में आपने वो सेवा प्रणाली को जो उद्धृत किया है ना वो वो आपने निंदित में गिनियो है। वहां में ऐसा है कि एक स्वरूप पधरानो फिर एक भाव हो जाए फिर दूसरो पधरानो फिर तीसरो पधरानो, ये निंदित कैटेगरी में क्यों लियो है जबकि महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं कि मैं सर्वस्व पधरा के दे रहे हूँ ताकि निकी भांति सो सेवा करे, तो ये तो कुछ निषिद्ध प्रकार को लग रहे हो। और दूसरा उसके बाद जो निषिद्ध लियो है वहां में तो ऐसा लगे कि स्वरूप में तारतम्य आप कोई कर रहे हो, कम से कम प्रभु की साक्षात्कार तो इनकार नहीं कर रहे हो वहां पे, तो रिवर्स होना चाहिए ऐसा लगे नहीं। वो अकेले यहाँ ऐसा लिया है कि वो जो यहाँ जो उपदेश दे रहे मैंने वो आधार वाक्य जो बताया ना वो आधार वाक्य में भी लिखे हुए कि वो जो मनगढ़ंत उपदेश कर रहे हैं वो वहां में क्या है कि वो मनगढ़ंत उपदेश मतलब अज्ञान के कारण भी हो सके, वो अज्ञान के कारण वहां को उपदेश भी हो वो अन्यथा हो सके। वहां जो भक्तिमार्ग की दृष्टि से कोई निषिद्ध प्रकार तो नहीं बता रहे, अब जो समर्पण का प्रकार जो महाप्रभु जी बता रहे है वह प्रकार से उनको समर्पण को प्रकार नहीं बता रहे हैं, या के लिए वहां वो निंदित कैटेगरी में लिए हुए। जैसे मिश्री भोग की आज्ञा ले रहे हैं प्रभु को जो है वहां वो चित्र लेके और फिर ठाड़ स्वरूप तक लेके जा रहे हैं, वो महाप्रभु जी वो जो यथाभक्ति प्रवृद्धा से तथोपाय निरूप्यते में जो बात कह रहे है वो बात यहाँ नहीं आ रही है, कोई न कोई कारण से यहाँ वो अन्यथा उपदेश आ रहे है, लेकिन वाक्य कारण वाको निषिद्ध कैटेगरी में लेना उचित नहीं है ये बात है। जबकि दूसरो जो है वो दूसरे में तो क्या है कि भगवान के स्वरूप में मतलब पुष्टि प्रभु तो सब समान है, वहां ठाकुर जी के स्वरूप में जब अपन भेद कर रहे हैं तो कौन से हिसाब से अपन भेद कर रहे हैं वो तो बहुत यहाँ स्वरूप में भेद कर रहे हैं पर उनकी माना प्रभु को इंकार तो नहीं कर रहे ना, ऊपर के केस में आप प्रभु को ही इंकार कर दे रहे हैं कि ये प्रभु अभी पधरा दो दूसरे लेके आओ दूसरा पधरा दो, वहां उतने तक एक्सटेंड मैंने नहीं किया वो खाली मन कर उतने तक जरा निश्चितता लग रही है ज्यादा। उतना एक्सटेंड करने का नहीं दे नॉट पर्टिकुलरली ये वाक्य नहीं पकड़े पर निश्चित कैसे हो रहे हो निंदित कैसे हो रहे हो। देखिए वो छह नंबर को मैंने जो आधार वाक्य लियो है ना मतलब भक्ति मार्ग की दृष्टि से भी वहां यदि कोई जैसे अपने भागवत कथा के संदर्भ में लिखियो या मूल में जो आजीविकार सेवा करते हो ये सब जो प्रकार है वो अपने यहाँ निश्चित है। अब ये छोड़ के अन्य कोई ऐसा लग नहीं रहे है कि अपने को बिना कोई कारण उनको इतनो नीचे गिरा देना, कोई ना कोई कारण उनको जो उपदेश है चाहे सेवा प्रणाली को हो या भगवत भजन को हो या भाव प्रदायक को हो उनको उपदेश में वो निंदितता आ रही है, यदि वो खाली सुधार दे उतनो इसे अभी भी जय ने कही तो वो सुधार दे तो उनको चांस हो जाएगा। उतना उनको निश्चित देने के वो नीचे लास्ट में भी आके लिए उपसंहार किया है उपसंहार में भी वो बात कर रही थी ले सके ऐसा नहीं है। तेरे को क्या पूछना है ये पेज नंबर 9 पे जो उपदेशक उपदेश्य रहित समान व्यक्ति मां संग मां आनिंदित मां तुम्हें लगती जगह परस्पर सौ मणि ने स्वमार्गीय सिद्धांत जिनके षोडश ग्रंथ निबंध शिक्षा पत्र वगैरह तो ये आनंदित है पर जगन्य कई रीते ख्याल में नहीं आ रही भाई।
ઉત્તમ અને મધ્યમનો વિચાર કરી લે. આપણે જો શરૂઆતની અંદર એમ કહેલું છે કે કોઈ ઉત્તમ, જે ઉપર મેં લખેલું છે કે નિવેદનમ તું સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદ્રશેર જને તદીય સહ તત્પરી. હવે ત્યાં તાદ્રશેર જની એટલે કેવા જનો? તો અહીંયા તો મેં નથી લખ્યું, પહેલા જે પેપર લખ્યું એમાં એ લખેલું હતું કે જે મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે નવરત્નમાં, એ કૃષ્ણ સાતકૃત પ્રાણય, એ જ સંદર્ભમાં વાત કરી કે ત્યાં હીન મધ્યમ અધિકારી કહી રહ્યા છે કે જે હીન મધ્યમ અધિકારીનું જે વર્ણન કર્યું છે તેવા તે પ્રકારના નથી. અને આધાર વાક્યની અંદર પણ જે લખેલું છે જેમ શ્રી હરિરાયજી કહી રહ્યા છે કે પોતે સ્વયં તેવા નથી, પરંતુ તે રીતનો પોતે ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, ગુરુ જે રીતે કહી રહ્યા છે એ પ્રમાણે ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. તે રીતે અહીંયા પણ જે છે આપણે એવા તાદ્રશી નથી, પરંતુ જે મહાપ્રભુજીના ષોડશ ગ્રંથનો જે છે તત્વનો કે કર્તવ્યનો સાથે મળીને વિચાર કરી રહ્યા છે. તો આપણે કદાચ હોઈએ કે ન હોય, કમસે કમ મહાપ્રભુજીના જે ઉપદેશ છે તેને સમજવાનો આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, એ દ્રષ્ટિથી અહીંયા અનિંદિત લીધેલો છે. મુખ લગે કાફી પરેશને પ્રશ્ન પેદા કીએ. और काफी अच्छे ढंग से चर्चा भी भई सब. कल फिर अपन इकट्ठे होंगे और आज के लिए जो निर्धारित दो पेपर थे वो अपने छूट गए. एक तो श्रोता को, देवेश तो आया ही नहीं है ना, वो छूट गयो. कल को जो सबसे पहले तो असित लेगो कुंजबाला बेन को, श्रोता को, इनके देवेश आ गयो तो सेकंड पेपर होएगो पृथक शरण मार्ग में जगन्या अधिकारी जो शरद बाबा लेंगे. मनोज बाबा पता नहीं कल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. हाँ, तो वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर इनकेस यदि वो नहीं, मनोज बाबा नहीं आ रहे हैं तो फिर रसिक भाई को समर्पण पाछो आपके दो हो रहे हैं फिर. नहीं तो थोड़ा ऑर्डर में ही कर लो कि फिर त्याग योगेश बाबा ले लें. आप जो है वो भावेश आ रहे हो तो, देवेश आ रहे हो तो आपको ले लो. हाँ, कल के लिए ये अपन फाइनल करें. कल पांच अपन को लेने पड़ेंगे, पांच छह हो तो होती है. कुंजबाला आपको, देवेश कल आपको जाना है. कल उसी भी सत्र में तो फिर आपका मुझे उसी भी सत्र में सुबह दोपहर को. तो आपका पेपर आप इनको दे दो. हाँ, पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. आप लोगे? हाँ, मैं ले रहा हूँ. नहीं तो फिर आप क्यों ले रहे हो? आप तो फिर वाको ले रहे हो ना, देवेश को. आप ऐसा करें, नहीं 15-20 मिनट में समराइज कर दे. ठीक है, बराबर कर. तो फिर आप अपना पेपर आप ले लो. तो ठीक है, फिर कल आपका हुआ, उज्ज्वला बेन का, असित लेगा, देवेश का, मैं, योगेश बाबा, मनोज बाबा पधारे तो फिर मनोज बाबा कल पधारे तब उनको परसों पे ही रखो ना. फिर जब निश्चय नहीं है तो उनको परसों में ट्रा. कुंजबाला बेन को, श्रोता को, जो असित लेगो, सेकंड देवेश को. देवेश डेफिनेटली आ रहे हो तो सेकंड. हाँ, तो देवेश को ले लें, जो शरद बाबा ले लेंगे. ये गजानन जी ले लेंगे. गजानन जी अपने पेपर को खुद समराइज कर देंगे. अंशु भाई को कौन ले रहे हो? अधिकार को विवेचन. और हंसु भाई को क्या है विषय?
गुरु है ना, हाँ तो गुरु है वो योगेश बाबा लेंगे अंशु भाई को पेपर, और योगेश बाबा को भक्ति हंस पे है वो धर्मेंद्र झाला लेंगे। तब चार पे पांच पे कौन सा गजानंद जी खुद है वो स्वयं तेरो भरोसो दृढ़ न चरण के साधन और नहीं आकली में जासो हो निवेदो सूर कहा कहे विविध आंधरो चर्चा कर।